बाल गोल बाल शहर पर जाना है। मम्मी दे पापा मैं डलाया था अपना भर ली थी बुलेट की, फिर ने बोला बुलेट दिला दूंगा। हाँ पड़ा कर गड़बड़ हो सके है। अच्छा साल रखी आपने बुलेट? 20 साल। अच्छा वेलकम टू साइंस वन ब्लॉग। देख लो टू फैमिली, ये करनाल का महावीर दल हॉस्पिटल है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल ना जाके और अपना क्यों कर मेहनत कर रहे हैं। मतलब माँ बाप ने एक ही बात कह रखी है कि भैया मांगना है उससे अपना गुजारा चलेगा। देख लो छोटे छोटे बच्चे का फ्यूचर कैसे खराब होने लग रहा है। तो मतलब ऐसा टाइम आ गया है जो गरीब बेचारे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर हैं वो और जाता अमीर। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा। करनाल में कदे भी महावीर दल की तरफ आगे देखना, ज्यादातर मंगलवार के दिन आगे देखना, इतनी भीड़ मिलती है। मतलब जो भाई भी सेवा करना चाहे या कुछ भी, तो इस तरफ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ जी ये तो फैमिली राम राम सब ने स्वागत अपने नए ब्लॉग में। तो आज ये जो सब आपने दिखाया इसमें देख कर थोड़ा सा न्यू फील होगा भाई। आप अपना नया साल मनावा, हाँ सब अपना नया साल मनावा, मिठाई खावे हैं। मतलब कोई किसी तरीके से कोई गाड़ी लिया हुआ नए साल पर, कोई किसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब खुश रहे हैं सब। और जब आप थोड़ा सा न्यू देख लेना है कि भैया के यार हर तरीके के लोग हैं जिनका कोई नया साल नहीं पुराना साल नहीं कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ना कुछ मन में सोच कर चल रहा हूँ मैं, आप सब ने वो ब्लॉग में दिखाऊंगा। मतलब जो भी कोई मतलब बस आप सबके सामने मतलब दिखाऊंगा सीधा, जितने भी मतलब ये गरीब वगैरह दिखा ना बहुत दुख सा होगा कि भाई इनका तो कोई नया साल नहीं कुछ नहीं, कोई त्यौहार नहीं कोई बार नहीं कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ सोच रखे है और कुछ आप सबको दिखाएंगे इन सब के लिए। वो नॉर्मल की तरह पीछे से गया था मैं तो इतने ज्यादा से ज्यादा वहाँ वीडियो तो बनाई थी। एक बार पीछे बनाई थी ब्लैंकेट लेकर गया था मैं, तो ब्लैंकेट इतनी क्वांटिटी में ले लिए थे पीछे वाला पड़े है मेरा। अगर आप थोड़ी नीचे जाओगे इतनी क्वांटिटी में ले लिए थे वो फिर भी कम पड़ गए थे क्योंकि पूरी डिग्गी भर रखी थी पूरी स्कॉर्पियो। उस टाइम स्कॉर्पियो थी मेरे पास, सारी स्कॉर्पियो भर रखी थी, फिर भी वो इतने कम पड़ गए थे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि तादाद इतनी है नूरमहल के पास इतनी झुकी जो पड़ी, मतलब इतनी पब्लिक है ना, इतनी पब्लिक भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। तो दोबारा वहाँ जाएंगे आप सबको दिखाएंगे। और थोड़ा सा ये मत सोचना कि भैया दिखा के क्यों करना, अगर हमारे दिखाने से किसी कोई मोटिवेट होता है, मोटिवेशन किसी को मिलता है और इनकी हेल्प हो जाती है तो भाई मैं दिखाना बेस्ट मान लूँ, ठीक है। तो ज़रूर करेंगे जल्दी, जब आपके पास ना लग जाओगे जल्दी से जल्दी आपके पास रखेंगे अपना अपने दिल की बात और दिखाएंगे थोड़ा सा करके। ना भाई फ्रेम टूट गया था इसलिए नंबर प्लेट नहीं करवाई, बोल लेना ये मेरा नहीं क्यों टूट गया था, क्या हो गया था इसका सेम को नहीं मिलने गया पहला। ये देखो आग तो लग रही है, मेरा नहीं यार मैंने इस तक गया था फ्रेम बदलवाई ले, इसकी प्लेट चोरी नहीं कर ले गया था पिछले व्लॉग में आपने देखी थी। ये बस नए नंबर नया लगवाया, नई नंबर प्लेट बनवाई, नया करवाया इसे ना सारा। नौका दिखावा ना, मना कर रहा है मेरे तैर में दिखाऊंगा। पोले ने कर दिया सिस्टम है। एक नंबर हो गया भाई गाड़ी का सारा मजीद पैसा अलॉय व्हील निकल गया, अलॉय व्हील निकल गया ना उस दिन ओके हो जाएगी। अलॉय व्हील की बात देख रहे हैं भाई, अलॉय व्हील नए साल का हो था, नए साल पर कलवाऊंगा अब लगे इसने अलॉय व्हील नहीं कलवा दी। ये भी BMW के अलॉय व्हील पर राजी हो रहा है और जब तक इसमें डलेंगे नहीं ना 16 है ये, जब तक 20-22 नहीं डलते ना जब तक लुक नहीं आती। फिलहाल तो हम स्कूटर मार्केट में रही चलते हैं घर, बस एक बार अपना मैं अपना रोटी खा लेता हूँ घर जाके, पोला अपना घर चला जाएगा। चला पोले चलो, भीड़ होगी भाई जाम लग गया।
लगेंगे दोबारा, कपड़ा लगेगा, अब नंबर चमक देगा। ये टूट गई थी, नया नंबर, नया फ्रेम बदलवा। थोड़े बचे भाई, गाड़ी लगी ट्रक बढ़ जाओ ना गली में। चले पुल ले भाई, कती जाम लग गया भाई गली में एकदम। ये देखियो एक व्हीकल आ जाए ना, कती जाम हो जाए गली में। सायरन मार दिया, सायरन की कसर रह रही थी, ये पंगे करता रहा, अभी नहीं दे रहा, चलान इतने महंगे हो रहे हैं। रहने दे, पुलिस आ गई। हमें पुलिस से काम है। ओ खड़े भाई अपनी थार, बढ़िया भाई, ठीक है, बढ़िया। या खड़ी थार, वहां खड़े पुल लेके उन्होंने भाई आगे करना थोड़ी। लो भाई फिलहाल आ लिया पगर जिम पे, फिलहाल अपना लंच करके निकलते हैं शाम। घर बिल्कुल खाली हो रहा है भाई, शीतल और सायरा के बिना, मम्मी पापा है बस। टू फैमिली लंच कर लिया था, तो आज मेरी सलाह है भाई बुलेट ने स्टार्ट करूं, क्योंकि बुलेट ने हो लिया भाई बहुत ज़्यादा टाइम, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 20-25 महीने के आसपास हो गया भाई स्टार्ट नहीं करी, तो क्योंकि बेचारी चलती तो है नहीं, चली भी बहुत कम है। देखो ई ब्लॉग 2013 मॉडल है और 24,781 चली है, 13 मॉडल 2013 भाई शानदार रखी हुक्का और बुलेट बस फोटो खींचने की देर है। तो आज क्योंकि बाहर तो लेकर जाता नहीं, इतनी ठंड हो रही है भाई, तो वैसे बुलेट स्टार्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि अगर नहीं चलती रहोगी स्टार्ट रहोगी तो बुलेट ठीक रहोगी ना, तो दिक्कत आने लग जाए फिर बुलेट में, अगर आप नहीं चलाते ना, अगर चुकर चलती तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी में आना जाना हो है, सजीत भी जाना है, थार ठाली किच्चा छोटा सा भी काम हो, थार पे हो सारे काम, तो इसने वैसे स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ी सी ठीक पड़ी रहो मैं। ये देखियो आज इतने दिन बाद स्टार्ट करूँ मैं, कम से कम 20-25 दिन बाद स्टार्ट करूँ, और देखियो एक एक में स्टार्ट हो जाओगी, इतनी मतलब इतना वो हौसला है मैंने विश्वास है कि एक एक में तो जा, बेइज्जती ना कराइयो। एक एक में स्टार्ट होगी, इतने दिन बाद स्टार्ट करी है, देख लो कोई रेस नहीं दे रखी, कोई कुछ नहीं, एक एक में बस चौक चौक लगाया था, चौक लगाया और नीचे कर दो, कर दिया चौक नीचे। ये थोड़ी स्टार्टर होगी ना, इसमें ज़्यादा नहीं कहता मैं, 10 मिनट भी स्टार्ट रख लूँगा ना, 10-15 मिनट स्टार्ट रहेगी, ऐसा हो जाएगा कि चल ली भाई चल गई, क्योंकि 10 मिनट बहुत हो जाए, फिर 10 मिनट इसको स्टार्ट रखते हैं और ठीक रहोगा फिर काम। पापा आगे, पापा चलती तो है नहीं, मैं खाला स्टार्ट कर लिया ना। अच्छा अच्छा बुलेट, अच्छा सही बात, हम चलाते नहीं है ना, मैं पापा जाए तो स्टार्ट कर दी, मैं चलती रहोगी है ना भाई। पापा ने, पापा कितने साल रखी है आपने बुलेट? 20 साल। अच्छा अच्छा सही है ना पापा, यार नहीं पड़ी है ना, सही 2013 मॉडल है जब ली थी आपने, दवाई थी मेरा मेडल आया था आपने, वहां पर ली थी बुलेट की, फिर ने बोला बुलेट दिला दूंगा। हाँ चलो 10 मिनट कर लियो ना स्टार्ट, 10 मिनट बहुत है ना, ठीक है पापा चलाया करूंगा पापा, ले भाई 10 मिनट रखते हैं अब इसको स्टार्ट, गर्म हो जाओगी बढ़िया, फिर चाहे चलाओ चाहे ना चलाओ ठीक रहो। महीने में कर लेनी चाहिए, महीने में नहीं कहता भाई, हर हफ्ते कर लो एक बार स्टार्ट, अगर आपकी बुलेट नहीं चलती ना तो एक बार स्टार्ट जरूर कर लो हफ्ते में, सही नहीं पड़ी रहा इनो गिनो। दीदी आ रही थी, कैसी है? राम राम सबको।
हेलो भाई देख लो मिश्का दीदी आ रहे थे केले का ही है आज आजा बाहर आ दिखा जल्दी का मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मुझे तो है ही नहीं सामान क्या क्या लेकर आए हो बाहर थे मम्मी और मिलन भाई बाजार जा रहे थे मिलन आज ये देख लो भाई पता नहीं क्या क्या लेकर आए स्टील के सिल्वर के सॉरी स्टील के बर्तन सारा और औरतों वाला है सामान ले आए हो गए ये वो स्पून स्टैंड वगैरह हम टूट गया होगा ये ओके साग साग बनाऊंगे भाई पिछली बार तो रांद काट दी थी साग की कौन सा एसी में तो तीन है कौन से एसी फिर कौन सा ये सप्लिट है सप्लिट तो मम्मी अपना डेढ़ एक एक टन का है एक एक का के बात होगी बात की होगी अच्छा कवर लेकर आए होगी वो तो फिर एक एक टन के हैं ठीक है ठीक एक एक टन के हैं एक के पापा का मन लग रहा है भाई घर बिल्कुल खाली खाली हो रहा भाई सही रहा बिना टॉयलेट में जाती जाती प्यारी ले ली हूँ मैं उसकी बुरी शीशी में खा चल और फिर भी वहाँ भी 10-15 प्यारी बढ़िया है नाना दौरा जी लग रहा है रोके आवेगी नरगा भी जी लग रहा है वो पापा गेलवा भी तो जा रही है ना वो जी नल उनका हाथ पकड़ के दोनों नु हाथ पकड़े हैं घूमती रहा है बच्चा गेलो बच्चा का ये मैंने स्टोरी देखी थी शीतल की एक उसमें बढ़ रहे थे मॉल टाइप में जूडियो में जा रहे थे यहाँ तो मैंने एक टेबल सा टेबल के नीचे दोनों बैठी एक दूसरे का हाथ पकड़ के टेबल के नीचे इतना प्यार है एक दो बहुत ज्यादा प्यार कर देखिए मिश्का दिखाता हूँ क्या कर रही है मम्मी तो बनाओ खाना मेरा थोड़ा सा मैंने दोबारा बनवाया भूख लग रही थी और क्या कर रहे हो बेटा क्या बना रहे हो ये। मुझे पागल हाँ। अच्छा आपको किंडर जॉय खाना है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी अगर तुम कहते हो क्या अगर तुम कहते हो आप बोलते हैं अगर मामा आप बोलते हो तो अगर मैं बोलता हूँ तो फिर खा लोगे हाँ? कितने वन बस हाँ? अब तो ज्यादा दिलवा दूंगा अगर बता दोगे तो हैं जल्दी बोलो कितने ये क्या गूंद रहे हो रोटी बना रहे हो क्या मेरे लिए तो ये बनाऊंगी इसका कटर अच्छा। से पता चलेगा हमारे टाइम पे वो होती थी नटराज की नटराज की होती थी उस पर लिखा होता था एन से पता नहीं क्या था ना एन के से कुदा पता नहीं आई से इंजेक्शन लग गया मेरा नहीं के था ना काट लिए करते ज्योमेट्री में तो नटराज की नहीं आती थी पहले लोहे की आप सबको पता है यूट्यूब फैमिली बच्चे चलते थे पता नहीं भाई मिश्का क्या मेरे लिए खाना बना के एक रोटी बना दो मेरे लिए फिर टू किंडर जोए ठीक है आपको सायरा की याद नहीं आ रही मुझे तो याद वो आपको इतना याद करती है ना बेटा पता है तो आप क्यों नहीं कर रहे उसको याद मुझे उसकी याद आती तो है थोड़ी 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 आती थोड़ी बस थोड़ी थोड़ी आती है चलो मुझे एक रोटी बना के दो मैं गूंथता हूँ मुझे दो मैं गूंथूंगा सागर मामा कहाँ ऐसे बताओ सागर मामा कौन सी कंट्री गए मुझे प्लीज बता देती बताओ सागर मामा कहाँ गए हुए हैं जल्दी बता दो ले दे दे रोटी रोटी ले आए मेरी मम्मी वैसे पोगा तो गई थी मैंने और भूख लगी थी ये रोटी रही आज के बना रखा है यो कड़ी चल तेरी तो फेवरेट बन रही है आज दाब गई होगी 12 रोटी हैं 12 रोटी पहले कभी खाती नहीं मिलन का मजाक उड़ाया करते न्यू कह करते मखा मिलन तो मखा 12 रोटी खावे है के क्या करो तो सागर रोटी भाई मक्खन दे पापा शहर पर जाने की तैयारी में शहर पर जाना है मम्मी दे पापा के कब है
जाट बुढ़ापे में बिगड़ा करे नुका बाल बाल शहर पर जाना है मने। अरे मम्मी गाड़ी भी साफ करे था घनी बार ते चाल पड़ा कर गड़बड़ हो सके है चाल फिर हो ले त्यार ले भाई चलो कदे जवानी है मैं नहीं बिगड़े के बिगड़ेंगे यह तो बात है पापा चलो खा लियो मैं खाना भाई मैंने तो खा लिया था खाना ही शाम ने खाना खाया है तो ये भाई देखो मम्मी और बैठे हाँ मम्मी के खाओ हो मम्मी घनी बार ते मम्मी खाओ भाई शक्कर भी गिर नहीं है चावड़ा में तो भाई अब अपना थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं और फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में भाई आप सब ने यूट्यूब फैमिली पता है के व्लॉगा की भरमार हो रही है भाई अरिया न्यूए बनी रहेगी तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो तो न्यूए व्लॉग आते रहेंगे अपने व्लॉग नहीं रुकने देंगे 365 डेज व्लॉग लव यू ऑल